अब अपन स्टार्ट करेंगे। कोई अगर स्फेरिकल सरफेस हो, जैसे अभी अपन रिफ्रैक्शन के अलग अलग केसेस ले रहे थे। रिफ्रैक्शन में सबसे पहले अपन ने दो मीडियम को सेपरेट करता है, एक तो डेंसर मीडियम और एक रेयर मीडियम है, तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसको पढ़ा। फिर कोई ग्लास की स्लैब ली तो उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, है ना। अपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ, इन सब में रिलेशन देखा। फिर अपन प्रिज्म पे आए, प्रिज्म में अपन ने डिविएशन एंगल कितना होता है, डिस्पर्जन पावर, डिस्पर्जन देखा, डिविएशन देखा, मिनिमम डिविएशन की कंडीशन देखी, है ना। तो ये सारी चीजें हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ी। प्रिज्म भी एक रिफ्रैक्शन जो है आपका, प्रकाश का अपवर्तन, उसका एक केस हो जाता है। अब हम रिफ्रैक्शन में आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब हम रिफ्रैक्शन में लेंस की तरफ जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन में लेंस की तरफ जाएंगे तो लेंस एक्चुअल में क्या होता है, लेंस एक कर्व्ड ग्लास होता है ना, एक ग्लास, ऐसा कोई ग्लास जिसमें कर्व होता है उसे अपन लेंस बोलते हैं। तो लेंस में सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि कोई स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, यानी कोई स्फेयर के जैसा कोई कर्व अगर है किसी ग्लास के ऊपर, तो उससे रिफ्रैक्शन कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, उसके बारे में पहले अपन समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कर्व्ड सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। तो अपन लेंस को स्टार्ट करते हैं। लेंस को समझने के लिए सबसे पहले अपन को लेना पड़ेगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, ठीक है। कोई कर्व्ड सरफेस है या फिर कर्व्ड ना है कि इसको स्फेरिकल सरफेस ही ले लेते हैं, स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, गोलाकार सतह से गोलीय सतह से अपवर्तन, गोलीय सतह से अपवर्तन। तो इसे लेते हैं गोलीय सतह से अपवर्तन। तो क्या होता है आओ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कोई गोलाकार सरफेस लेते हैं अपन, जैसे ये एक सरफेस लिया हमने, ठीक है। ये अभी तो देखो ये प्लेन सरफेस है, लेकिन अपन इसे स्फेरिकल सरफेस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा कर्व डालेंगे, स्फेयर डाल देंगे। तो ये देखो एक स्फेरिकल सरफेस से बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये एक स्फेरिकल सरफेस बन गई ऐसे। तो यहां पे एक कर्व है, इस कर्व की वजह से ये एक स्फेरिकल सरफेस बन चुकी है। ओके, अब यहां पे जब कोई रे को इंसिडेंट हम कराएंगे, मान लो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे इस तरफ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमें कहीं पे इमेज मिलती है और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जब रे रिफ्रैक्ट होती है, मान लो रे कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होती है इस कर्व्ड सरफेस पे, जो स्फेरिकल नेचर की है, स्फेरिकल नेचर का जो कर्व्ड सरफेस इस पर रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्शन के बाद में यहाँ पे कहीं पे जाके ये कोई हमारा इमेज बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें इमेज मिल रही है, ये आई इमेज को मैंने आई से दिखा दिया, और ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से कोई रे इस तरह से निकल रही है और यहां से रिफ्रैक्ट होती हुई ये रे यहाँ पे पहुंचती है और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कोई पॉइंट इमेज बनाती है। तो एक ऐसा केस लिया। अब यहाँ पे अपन जब मेन डेरिवेशन करेंगे इसका, कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से कोई यू डिस्टेंस पर हो, इमेज यहां से कोई वी डिस्टेंस पर हो, तो यू वी और इसमें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हो, मान लो ये जो कर्व बना है, जैसे एक चीज यहाँ पे लेते हैं, मैं अगर इसे पूरा स्फेयर की तरह दिखाता हूँ, देखो पूरा स्फेयर की तरह लेते हैं इसे,
पहले वाले ले लेते हैं। ये देखो ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर की कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से जो सेंटर बनेगा, मान लो ये जो स्फेयर है, यहाँ पे एक स्फेयर लिया, तो उसकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लो वो कोई यहाँ पे है सी। तो स्फेरिकल जो कर्व सरफेस होती है, एक कोई स्फेरिकल कर्व सरफेस होती है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर का सेंटर अगर ये है हमारा सी, तो सेंटर से अगर मैं रेडियस वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये यहाँ पे क्या होती है, इस कर्व सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, नॉर्मल देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, इसका नॉर्मल हो जाएगी इस स्फेरिकल कर्व सरफेस की। ये लाइन क्या है, ये है नॉर्मल, नॉर्मल है ये, नॉर्मल ऑफ कर्व सरफेस, ठीक है, जो स्फेरिकल कर्व सरफेस है उसका नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब है। ये क्या है, हिंदी में इसको बोलेंगे अभिलंब। अब ये नॉर्मल है, ये पॉइंट मान लो कोई अपन ले लेते हैं P। अब देखो यहां पे इंसिडेंट एंगल, और अगर अपन देखना चाहें तो ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे अपन बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, तो ये हो गया मान लो थीटा वन। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसे ले लिया हमने कोई थीटा टू। इस एंगल को ले लिया हमने कोई एल्फा, इस एंगल को ले लिया कोई बीटा, और इस एंगल को ले लिया कोई गामा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज ले लेते हैं अपन, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है गामा। ये पॉइंट ओ है जहां पे ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट सी है जहां पे इस स्फेरिकल सरफेस का, यहाँ पे मान लो ये कोई स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है सी वो यहां पर है, और यहां पे हमें मान लो कहीं पे कोई इमेज मिलती है। ये एंगल थीटा वन है, ये थीटा टू है, ये अल्फा है, ये बीटा है। अब देखो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्रिंसिपल एक्सिस पे, मान लो ये पॉइंट है कोई एम, ये पॉइंट क्या ले लिया हमने, एम ले लिया। अब देखो इस एम पॉइंट से एक तरह से ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं इस कर्व सरफेस का, तो इस M पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसे बोल देंगे अपन U, ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा इस M से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हो जाएगा यहां से यहां तक इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसे अपन लेते हैं V से। यहां पर देखो U V ये क्या है, ये देखो ये तो हो जाएगा आपका U, और ये हो जाएगा आपका R, और ये हो जाएगा आपका V। U तो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ये तो है U। आपका जो V है, V को कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे R जो है इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है इस कर्व की जो रेडियस है, ये कर्व किसी स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर की जो रेडियस है उसे बोलेंगे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर इसको वक्रता की त्रिज्या कहेंगे, वक्रता की त्रिज्या, और ये वक्रता की त्रिज्या से एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो यहां पे नॉर्मल का काम करेगा इस कर्व सरफेस के लिए। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अपने को पता है कि मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं ले लेता हूं कोई म्यू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया कोई म्यू वन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू टू। हमारे पास दो अलग अलग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन ले लिया और इसका म्यू टू ले लिया दोनों मीडियम के लिए। अब देखो मैं आगे डेरिवेशन करने की तरफ बढ़ता हूं, तो सबसे पहला जो रिलेशन है
हम यहाँ पे स्नेहल्स लॉ तो हमेशा लगा सकते हैं, तो स्नेहल्स लॉ यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। स्नेहल्स लॉ तो हमेशा वैलिड है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे म्यू वन साइन थीटा वन बराबर हो जाएगा म्यू टू साइन थीटा टू अगर थीटा स्मॉल है। यहाँ पे भी अपन एक कंडीशन क्या लेंगे, थीटा स्मॉल की कंडीशन लेंगे। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो अपन बार बार इस चैप्टर में साइन थीटा को क्या ले लेते हैं, केवल थीटा ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो स्नेहल्स लॉ है हमारा, फर्स्ट मीडियम ये बाहर वाला सराउंडिंग वाला और सेकेंड मीडियम ये ग्लास वाला, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, थीटा को स्मॉल के केस में साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू वन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू थीटा टू। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेता हूं साइन थीटा को थीटा लेते हैं तो साइन थीटा वन को थीटा वन लिख दिया, साइन थीटा टू को केवल थीटा टू लिख दिया। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है OPM, MPC, MPI, ये इतने सारे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल्स में देखो कुछ रिलेशन हमें मिलने वाले हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूं थीटा वन की, तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी से, फ्रॉम ट्राइंगल प्रॉपर्टी जो त्रिभुज के गुण होते हैं उसके हिसाब से देखते हैं, त्रिभुज गुणों से, तो ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें देखो, अगर मैं इस थीटा वन का रिलेशन अल्फा और बीटा के साथ देखता हूं, तो ये एक थ्योरम होती है कि जो बहिष्मुखी कोण होता है वो अंतर्मुखी कोणों के योग के इक्वल होता है। तो जो बाहर वाला थीटा वन एंगल होता है इस ट्राइंगल के लिए, ये जो ट्राइंगल है ना पी ओ सी, इसमें थीटा वन जो होगा ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के, थीटा वन बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के, इसे मैं इक्वेशन नंबर टू बोल देता हूं। फिर मैं यही काम इसके लिए करता हूं ट्राइंगल पी सी आई के लिए, पी सी आई के लिए यहाँ पे थीटा टू जो होगा, थीटा टू, या फिर मैं बीटा की बात करूं, बीटा देखो बहिष्मुखी कोण है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा टू प्लस गामा हो जाएगा। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा टू प्लस गामा, ये थर्ड इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों इक्वेशंस में से थीटा वन और थीटा टू को गायब कर देना है। हमें क्या करना है, थीटा वन और थीटा टू को गायब कर देना है इन तीनों इक्वेशन में से, उससे हमारे पास हमारा जो फाइनल रिलेशन है जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए काम में आता है, तो वो हम बना लेंगे। तो थीटा वन और थीटा टू को यहाँ पे गायब करने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं इस थीटा वन की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे मैं थीटा वन की वैल्यू रख दूं, या फिर मैं इस थीटा टू की वैल्यू इस जगह यहाँ पे रख दूं, तो देखो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से थीटा टू क्या हो जाएगा, म्यू वन थीटा वन अपॉन म्यू टू हो जाएगा, उसे यहाँ पे रख देते हैं। तो यहां से देखो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन थीटा वन अपॉन में म्यू टू प्लस में गामा आ जाएगा। मैंने इस थीटा टू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से म्यू वन थीटा वन अपॉन म्यू टू यहां पे रख दी थर्ड इक्वेशन में। आगे बढ़ते हैं देखो और हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इस थीटा वन को गायब करने के लिए ये जो थीटा वन है, इस थीटा वन की जगह मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू वन अपॉन में म्यू टू, और थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगी, और प्लस हमारा गामा यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब देखिए थीटा वन और थीटा टू गायब हो चुके हैं हमारी तीन अलग अलग इक्वेशन में से, अब केवल अल्फा बच गया, बीटा बच गया, गामा बच गया, बस इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। तो अब देखो क्या करते हैं, मैं इस म्यू टू का पूरे में मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो यहाँ पे इस म्यू टू को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा म्यू टू बीटा इज इक्वल टू म्यू वन को अंदर लिखे गए म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा, और इस म्यू टू का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू टू
गामा। क्या किया यहाँ पे, म्यू टू को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया और म्यू वन को अल्फा और बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। आई बात समझ में? ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे म्यू टू म्यू वन अल्फा प्लस म्यू वन बीटा प्लस म्यू टू गामा है, तो देखो मैं म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा कर सकता हूं इसको। हमने क्या किया, इस म्यू टू बीटा में से म्यू वन बीटा को घटा दिया इधर लाके, और बीटा को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा, और ये यहाँ पे हो जाएगा म्यू वन एल्फा प्लस म्यू टू गामा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा इज इक्वल टू म्यू वन एल्फा प्लस म्यू टू गामा यहाँ पे सर हो जाएगा। हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला एक बार रिपीट करना वापिस। देखो यहां से म्यू टू बीटा जो है उसमें से म्यू वन बीटा घटा दिया इधर लेके आए, है ना, फिर बीटा को कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन बच जाएगा। ओके, म्यू टू माइनस म्यू वन बच जाएगा, बीटा कॉमन ले लिया, और ये तो सर ऐसा कैसे ही रह जाएगा, म्यू वन एल्फा प्लस म्यू टू गामा। ठीक है, सर अब देखो अपन आगे और बढ़ते हैं। मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा जो है ना, अल्फा अल्फा को अप्रोक्सीमेटली अपन ऐसा लिख सकते हैं पीएम अपॉन ओएम। जैसे मैं टेन अल्फा की अगर बात करूं, मैं टेन अल्फा को लिख सकता हूं पीएम अपॉन ओएम, है ना, हम टेन अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस पीएम अपॉन ओएम। इसी तरह से टेन बीटा को लिख सकते हैं पीएम अपॉन ओ एम सी, जो टेन बीटा होगा, टेन बीटा इसे अपन लिख सकते हैं पीएम अपॉन एम सी, पीएम अपॉन एम सी लिख सकते हैं, और टेन गामा जो है इसे अपन लिख सकते हैं टेन गामा इज इक्वल टू पीएम अपॉन एम आई लिख सकते हैं, पीएम अपॉन में एम आई लिख सकते हैं, है ना। देखो इन ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस यही किया है। अब देखो साइन में जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा ले लेते हैं, वैसे ही अगर थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा को भी हम थीटा ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा छोटा हो तो उस केस में टेन थीटा को भी क्या लिया जा सकता है, थीटा लिया जा सकता है। जैसे साइन थीटा को थीटा लेते हैं वैसे टेन को भी थीटा ले सकते हैं। अब यहां से इस टेन अल्फा को मैं केवल अल्फा लिख देता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा पीएम अपॉन में ओ एम। यहां पे टेन बीटा की जगह बीटा आ जाएगा पीएम अपॉन में एम सी, टेन गामा की जगह केवल गामा आ जाएगा पीएम अपॉन में एम आई, तो हमारे पास अल्फा बीटा और गामा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। मैं इसे इक्वेशन नंबर चार बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर पांच बोल देता हूं। मैं पांच नंबर इक्वेशन जो है उसमें अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज है ये यहां पे रख देता हूं, अल्फा बीटा और गामा। इस इक्वेशन में अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज जब रखते हैं तो हमारे पास देखो फॉर्मूला हमारा बनना लगेगा। मैं बीटा को लिखूंगा पीएम अपॉन एम सी, अल्फा का रखूंगा पीएम अपॉन ओ एम, गामा का रखूंगा पीएम अपॉन एम आई। तो देखो ये आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू बीटा, तो देखो बीटा की वैल्यू क्या रख दी हमने, हमने रख दी पीएम अपॉन एम सी, पीएम अपॉन में एम सी। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर जो चार है उसकी वैल्यू उसमें हम क्या कर रहे हैं, पांच नंबर इक्वेशन की वैल्यू उसको पुट कर रहे हैं। तो बीटा की वैल्यू रख दी पीएम अपॉन एम सी, अल्फा की वैल्यू पीएम अपॉन ओ एम, और पीएम अपॉन और अल्फा, अल्फा क्या है म्यू वन इंटू अल्फा हो गया, म्यू वन इंटू अल्फा, और अल्फा कितना है पीएम अपॉन ओ एम, प्लस यहाँ पे म्यू टू इंटू पीएम अपॉन हो जाएगा एम आई, तो ये आ जाएगा हमारा रिलेशन। अब देखो पीएम से पीएम कैंसिल, पीएम कैंसिल,
तो यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में एम इंटू सी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ एम प्लस म्यू टू अपॉन एम आई, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो एम, ये जो ओ एम है ये तो क्या है, यू है, एम सी जो है ये आर है, और एम आई जो है वो वी है। यहां पे अगर अपन देखें तो जो ओ एम है, ओ एम ये तो अपना क्या है, यू है जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और जो एम सी है, एम सी और या फिर मैं एम आई की बात करूं तो एम आई किसके इक्वल है, ये तो वी के इक्वल है, और यहाँ पे जो ओ एम है ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एम सी की जगह रख सकता हूँ, सॉरी एम सी किधर गया, ये रहा, ये हो गया एम सी। तो एम सी कितना है अपना, आर है, तो मैं ओ एम एम आई और एम सी की वैल्यूज यहाँ पे रख दूं तो हमें वी यू और आर में सीधा रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन जो प्रिंसिपल है उसका यूज करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में साइन कन्वेंशन का रूल क्या होता है कि जो लेंथ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की जाती है वो तो पॉजिटिव होती है, और जो लेंथ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाती है वो नेगेटिव होती है। तो द लेंथ मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, द लेंथ लेंथ मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इट, अपोजिट टू इट आर टेकन नेगेटिव, आर टेकन नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन का यहाँ पे रूल हमें ध्यान में रखना होता है कि आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में, दिशा में लंबाई धनात्मक तथा इसके विपरीत दिशा में, दिशा में लंबाई ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो लेंथ हमें पॉजिटिव लेनी है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ नेगेटिव लेनी है। अब इस प्रॉब्लम में अपन ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखो किधर है, इधर है। इंसिडेंट रे कौन सी है, जो हमारी ऑब्जेक्ट से रेज निकलती है उनको इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे की देखो डायरेक्शन इधर जा रही है, ये इंसिडेंट रे ना हमारी, यही तो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखो इस तरफ कौन कौन सी लेंथ मेजर कर रहे हैं, मैं अगर एम को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, एम हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो एम से सी की ओर जा रहे हैं तो ये लेंथ इधर मेजर कर रहे हैं, आर जब मेजर कर रहे हैं तो एम से सी की ओर जाएंगे, एम से आई की ओर जाएंगे। तो जो आर और जब वी मेजर करेंगे तो आर और वी का मेजरमेंट तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है, तो आर और वी को हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन एम से ओ की तरफ जब जा रहे हैं तो हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यू को क्या लेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहाँ पे यू तो माइनस लिया जाएगा, और वी और आर क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है इसलिए इनको पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन यू यहाँ पे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है, लेकिन यू उल्टा मेजर कर रहे हैं, हम इस तरफ जाके मेजर कर रहे हैं, तो यू को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे जब अपन नेगेटिव लेते हैं यू को तो देखो हमारा फाइनल फॉर्मूला बड़ा ही अच्छा निखर के आएगा, बहुत बढ़िया फॉर्मूला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। तो U को जब नेगेटिव लिया जाता है, ये माइनस यहाँ पे मैं वैल्यूज रखता जाऊंगा, तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन एम सी की वैल्यू रख दी प्लस में R इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन ओ एम।
ओएम की वैल्यू रख दी माइनस में यू प्लस म्यू टू अपॉन एमआई, एमआई की वैल्यू रख दी प्लस में वी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, क्या हो जाएगा म्यू टू अपॉन में वी, मैं इस तरफ ले आता हूं इन सभी को, म्यू टू अपॉन वी माइनस में म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा अगर कोई स्फेरिकल कर्व सरफेस है और उस स्फेरिकल कर्व सरफेस में अपन को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा हो, दोनों जो मीडियम है एक मीडियम म्यू वन है म्यू टू है इनके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखे हो, तो हम वी की वैल्यू यानी कि इमेज किस कितनी डिस्टेंस पर बनेगी कहां पर बनेगी ये सारी चीजें हम यहां पर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये हमारा, कोई स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस है उससे यू वी और आर निकालने के लिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है, ये क्लियर है ये डेरिवेशन, आपके बोर्ड में भी है ये डेरिवेशन, तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझना, दोबारा प्रैक्टिस भी करना, इस पूरे पार्ट को लेके जो क्वेश्चंस हैं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी वैसे टाइम हो चुका है तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके क्वेश्चन भी करेंगे, और क्वेश्चन करते समय आपको म्यू टू दे दिया जाएगा, म्यू वन दे दिया जाएगा, आर दे दिया जाएगा, यू दे दिया जाएगा, वी पूछा जाएगा, बस आपको क्वेश्चन करते समय केवल ये जो साइन कन्वेंशन है चिन्ह परिपाटी इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जब यू की वैल्यू रख रहे हो तो आपको फिर यू की वैल्यू मान लो यहां से 10 सेंटीमीटर दे दी जाए तो इस 10 सेंटीमीटर को आपको नेगेटिव रखना है, वी की वैल्यू फिर नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकती है, तो उसी से आपको आइडिया लगेगा कि इमेज जो है वो किधर बनी है, इधर बनी है, इधर बनी है, कहां पर बनी है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में देखो रेडियस इस तरफ ही मेजर करेंगे तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, और इसमें एक दूसरा केस ये भी होता है कि हम यहाँ पे इसको ऐसे ले लेंगे, है ना, उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगी, ये भी केस अपन लेंगे। तो अभी आज अपन इतना ही रखते हैं यहाँ पर, और यहां से आगे अपन कल की क्लास में इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलग अलग जो दूसरे केसेस है उसे भी पढ़ेंगे, और धीरे 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 हम लेंस तक पहुंच जाएंगे। अभी देखो मैंने एक कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस लिया है, लेंस क्या होता है, दो कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस होती है, एक तो इधर हो जाती है एक इधर हो जाती है और कुछ ही नहीं होता, है ना, तो धीरे धीरे हम जो कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस है वहां से हम लेंस की तरफ बढ़ जाएंगे, लेंस में दो कर्व्ड स्फेरिकल सरफेसेस होती है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे जहां पे अपन हेनरी लॉ भी पढ़ रहे हैं और आगे इसे बढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, 10 मिनट बाद वापस रिज्वाइन कीजिए इसी मीटिंग को आफ्टर 10 मिनट्स।